अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम सिस्टम लगाने आए हैं यहाँ पे। ये 3 KVA का सिस्टम है साको कंपनी का, जो कि 2400 वोल्ट उठाता है, 24 वोल्ट का है, और इसके जो आउटपुट वोल्ट है ये भी 2400 उठाएगा। इस वक्त इसमें 6 प्लेटें लग सकती हैं। अभी जो है यहाँ पे फ्रेम बना हुआ है 5 प्लेट का, और इसमें 4 प्लेटें हमने लगाई हुई है, इसमें देख सकते हैं आप जिनको कंपनी की ये प्लेटें एन टाइप सिंगल साइड वाली। ये देखें, ये फ्रेम बना के जो है 4 प्लेटें लगा दी हैं। छोटा सिस्टम है, घर के लिए। इसमें वाशिंग वगैरह, वाशिंग मशीन वगैरह, इसके अलावा जो है घर के लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह, ये सब चला सकते हैं आराम से। एक चाय तो सब कुछ बंद करके पानी की मोटर भी चल जाएगी, एक हॉर्स पावर की। तो कंप्लीट भी देखेगा इंशाल्लाह ताला, आपको दिखाएंगे हमें किस तरह से जो है इसमें ब्रेकर वगैरह कौन कौन सी यूज़ किए हैं और किस तरह से पूरी इंस्टॉलेशन की है। लोड आपको चेक कराएंगे सारा इसका। ये 2 इंची का पाइप है जिसमें फ्रेम बना हुआ है, ऊपर जो है 3x1 इंची का पाइप यूज़ किया है। तो ये सकते हैं आप पूरा काम हमारा। चलिए जी, माशाल्लाह से जो है हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है सिस्टम। ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये साको कंपनी का लगा हुआ है इन्वर्टर, 3 KVA कहलाता है, और जो ये है तकरीबन 2400 वाट तक के जो है लोड उठाता है। ये देख सकते हैं आप, यानी कि 2400 वाट इस पर लोड डाल सकते हैं। 2.5 तक का समय लोड डालेंगे आप। फैक्टर जो है पावर फैक्टर 0.8 पे आता है ये 24 वोल्ट के अंदर। 2 बैटरी लगानी पड़ेंगी। 3000 वाट तक के जो है सोलर पैनल सपोर्ट करेगा, यानी 6 पैनल लगा सकते हैं आप। पीवी रेंज इसकी 120 से लेके 430 तक, यानी कम से कम 4 पैनल लगाना लाजमी है इसके अंदर। भले आप 330 वाई लगाएं, 450 वाई लगाएं, या 550 वाई लगाएं, लेकिन लगाने कम से कम 4 पैनल हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, ये हमने इनपुट के वायर लगा दिए, बैटरी के आ गए, ये इसका सोलर पीवी हो गई, बैटरी का ब्रेकर लगा दिया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, इनको बैकअप नहीं चाहिए, तो इसलिए छोटी बैटरी 100 एम्पीयर तक की बैटरी लगाई हुई है साका कंपनी की। बाकी हमने डीपी बॉक्स लगा दिया, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर रब्ता करके कराची में किसी भी जगह हमसे जो है सिस्टम लगा सकते हैं। काम हमारा दे सकते हैं आप प्रॉपर डक पट्टी पर, और ये पीवीसी पाइप में पूरा वहाँ तक की वायर ले गए इनकी हम। तो ये प्रॉपर तरीके से करते हैं हम, कोई भी वायर आपको नज़र नहीं आएगा। अब ब्रेकर में आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्शन लगाई हुई हमने। ये प्रोडक्शन डिवाइस लगाई हुई हमने जो कि वोल्टेज को प्रोटेक्ट करेगी। अगर ऊपर नीचे इनके के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज होते हैं तो ये उसको ड्रॉप कर देगा, आगे नहीं देगा। इसी के साथ साथ ये जो है अपना एसी का हो गया इनपुट, यानी कि बाईपास और चार्जिंग के नहीं है। ये आउटपुट हो गया मेन, और ये सोलर का आ गया। चेंजेबल हमारा 32 एम्पीयर का, इलेक्ट्रिक में चेंज करना चाहे इससे कर सकते हैं। बाकी ये इन्वर्टर है साको कंपनी का में, और इस वक्त जो है इनका 900 वाट का लोड चल रहा है, और तकरीबन मैक्सिमम मैं आपको दिखाया था 1400 वाट तक की प्रोडक्शन आ रही है ऊपर से, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप। ये मैक्सिमम तो 1400 वाट इनकी प्रोडक्शन आ रही है इस वक्त, जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं, और अच्छी प्रोडक्शन आ रही है इनकी ना। चलिए जी, देख सकते हैं जैसे आपको दिखाया कि प्रोडक्शन जो है तकरीबन 1200-1300 वाट तक आ रही है। इनका लोड चल रहा है 900 कुछ वाट, और इस वक्त जो वाशिंग मशीन की चल रही है, तकरीबन 7-8 पंखे हैं, घर की लाइटें हैं, फ्रिज है, ये तमाम लोड इनका चल रहा है। तो ऊपर से प्रोडक्शन भी अच्छी आ रही है 1300 वाट तक, ये देखें 1384-1385 वाट तक की आ रही है, तकरीबन 1500 वाट तक जाएगी ये। और 1.3 इनका लोड चल रहा है, 1300 वाट इनका लोड चल रहा है, और ऊपर से प्रोडक्शन भी तकरीबन इतनी आ रही है, और 5 एम्पीयर जो बैटरी में जा रहे हैं। तो ये अच्छी प्रोडक्शन आ रही है इनके लोड के हिसाब से, और 4 पैनल लगे हुए हैं ये जिनको एन टाइप 580 वाट वाले, ये देख सकते हैं आप।